आज मैं आपके लिए अमेजिंग किचन टिप्स लेके आई हूँ। अगर आप इन टिप्स को यूज़ करेंगे तो आपके समय की बचत होगी और आपका काम भी आसान हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये है टिप नंबर 1। आज मैं चांदी की पायल को साफ करके दिखाऊंगी। आपके पास चांदी की कोई भी ज्वेलरी हो आप उसको आराम से साफ कर सकते हैं। इस तरीके से अगर आप चांदी की ज्वेलरी को साफ करते हैं तो आपकी ज्वेलरी एकदम साफ हो जाएगी और ये बिल्कुल चमक जाएगी। मैं पायल को साफ करूंगी, तो मैं एक ही पायल को साफ करूंगी, एक से कंपेयर करके आपको दिखाऊंगी। तो देखिए हमारी पायल कितनी काली पड़ रही है। चांदी की ज्वेलरी काफ़ी दिन रखी रखी काली पड़ जाती है, तो जब आप इसको पहने तब आप इसको इस तरीके से साफ कर सकते हैं। तो मैंने ज्वेलरी को साफ करने के लिए एक टूथपेस्ट लिया है, तो मैंने कोलगेट लिया है। आप जो भी यूज़ करते हैं वो ले सकते हैं। इसके बाद हम पेस्ट को टूथब्रश पे लगाएंगे, तो जो टूथब्रश आप यूज़ नहीं करते उसके ऊपर आप इसको लगा दें। लगाने के बाद हम इसको पायल पे लगाएंगे, तो आप सारी पायल पे थोड़ा थोड़ा करके ऐसे लगा दें। हम पायल में दोनों तरफ पेस्ट को लगा देंगे और इसको 5 मिनट के लिए हम ऐसे ही छोड़ देंगे। तो दोस्तों आप इस तरीके से चांदी की ज्वेलरी साफ करेंगे तो आपकी ज्वेलरी बिल्कुल चमक जाएगी। अब 5 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। तो 5 मिनट हो गए हैं। अब हम एक बर्तन में पानी लेंगे और थोड़ा सा ब्रश को हम गीला करेंगे। अब हम पायल को ब्रश से अच्छे से साफ कर लेंगे। तो हम 1 से 2 मिनट तक ऐसे ही साफ करते रहेंगे। हम दोनों साइड अच्छे से साफ कर लेंगे जिससे कि हमारी पायल बिल्कुल चमक जाए। तो अब हम इसको हाथ में उठा लेंगे। आप चाहें तो हाथ में भी रख के इसको इस तरीके से साफ कर सकते हैं। ब्रश को बीच बीच में थोड़ा सा गीला करते रहें और इसको इस तरीके से साफ कर लें। हम बीच बीच में इसको पलटाते रहेंगे पायल को और इस तरीके से हम साफ करते रहेंगे। तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस 2 से 3 मिनट ही लगते हैं। आपके 2 से 3 मिनट में आपकी पायल बिल्कुल चमक जाएगी। अब हमारी पायल साफ हो गई है, अब हम इसको धो लेंगे। तो इस कटोरी में मैं इसको धो लूँगी और एक बार हम इसको साफ पानी से भी धो लेंगे। तो देखिए हमने साफ पानी से भी धो लिया। अब मैं जो दूसरी पायल है उससे भी कंपेयर करके दिखाऊंगी। तो देखिए इसमें और इसमें कितना फ़र्क है, ये कितनी काली दिख रही है और ये दूसरी पायल हमारी कितनी चमक गई है। तो इस तरीके से आप चांदी की ज्वेलरी को साफ कर सकते हैं। ये बिल्कुल फटाफट साफ हो जाती है और टूथपेस्ट तो सबके घरों में होता ही है, तो आप इस तरीके से अपनी चांदी की ज्वेलरी साफ कर सकते हैं। अब देखिए टिप नंबर 2। तो इस टिप में मैं आपको तांबे के बर्तन साफ करना बताऊँगी। तो जो भी आपके तांबे के बर्तन हैं ना, अगर आप इस तरह से साफ करेंगे तो आपके बर्तन बिल्कुल चमक जाएंगे। देखिए हमारा पूजा का बर्तन कितना काला पड़ गया है, इसको मैं साफ करके दिखाऊंगी। तो इसको साफ करने के लिए मैंने टोमेटो सॉस लिया है, तो टोमेटो सॉस से मैं आज तांबे का बर्तन साफ करके दिखाऊंगी। तो इसको मैं फिंगर की हेल्प से तांबे के बर्तन पर लगा दूंगी। आप चाहें तो इसको ब्रश की हेल्प से भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से सॉस को हम सारी तरफ लगा देंगे और इसको 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। तो हमने सॉस को सारी तरफ लगा दिया है, अब हम इसको 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। 5 मिनट के बाद हम इसको स्क्रब से साफ कर लेंगे। थोड़ी देर तक हम ऐसे ही घिसते रहेंगे चारों तरफ। उसके बाद आप देखेंगे कि हमारे तांबे का बर्तन बिल्कुल साफ हो गया है, ये बिल्कुल चमक गया है। तांबे के बर्तन साफ करने के और भी तरीके हैं। ये टूथपेस्ट से भी बिल्कुल चमक जाता है। इसको साफ करने के लिए एक पीतांबरी पाउडर आता है, आप उससे भी इसको साफ कर सकते हैं, या इसको आप नींबू से भी साफ कर सकते हैं। तो इसके साफ करने के बहुत सारे तरीके हैं, तो आप किसी भी तरीके से आप अपने तांबे के बर्तन साफ कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारा थोड़ा सा क्लीन हो गया है। तो देखिए दोस्तों हमारा बर्तन बिल्कुल क्लीन हो गया है। हम नीचे की तरफ से भी हम इसको क्लीन कर लेंगे। ये बड़ी आसानी से साफ हो जाता है, इसको साफ करने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। तो आप इस तरीके से तांबे के बर्तन साफ कर सकते हैं। अब हमारा बर्तन साफ हो गया है, अब हम इसको साफ पानी से धो लेंगे। तो अभी मैं धोकर दिखाती हूँ आपको।
तो देखिए ये मैंने बिल्कुल धो लिया है, तो हमारा बर्तन कितना साफ हो गया है, बिल्कुल क्लीन हो गया है। धोने के बाद आप इसको साफ कपड़े से, सूखे कपड़े से आप इसको पोंछ दें। तो जब भी आपको तांबे के बर्तन साफ करने हैं तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब चलते हैं तीसरी टिप की तरफ। तो इस टिप में मैं आपको बताऊंगी जब भी फर्श पर जंग के दाग लग जाते हैं तो उनको कैसे हटाना है। अगर आप इस टिप को फॉलो करेंगे तो आपके पुराने से पुराने जंग के दाग भी आसानी से निकल जाएंगे। तो देखिए हमारे फर्श पर जंग के दाग लगे हुए हैं, तो इनको मैं अभी साफ करके दिखाऊंगी। तो मैंने इन दाग को हटाने के लिए एक टॉयलेट क्लीनर लिया है। तो आपके पास जो भी टॉयलेट क्लीनर है, जैसे हार्पिक है या दूसरा कोई है, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। जहाँ जंग के दाग लगे हैं उसके ऊपर हम इसको डालेंगे और ब्रश की हेल्प से हम सारी तरफ फैला देंगे। फैलाने के बाद हमें 5 मिनट तक इसको ऐसे ही छोड़ना है, उसके बाद हम इसको साफ करेंगे। तो हमने सारी तरफ लगा दिया है हार्पिक। अब 5 मिनट हो गए हैं, अब हम ब्रश की हेल्प से इसको साफ कर लेंगे। अगर आपके जंग के दाग काफ़ी पुराने हैं तो इसको 5 मिनट तक छोड़ें, फिर उसके बाद इसको घिस दें। और अगर आपके जंग के दाग अभी अभी लगे हैं तो इसको 5 मिनट छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप बस हार्पिक लगाएं और ब्रश से अच्छी तरह घिस दें तो ये आराम से छूट जाएंगे। तो देखिए हमारे जंग के दाग बिल्कुल छूट गए हैं। हम थोड़ा सा और घुस देंगे, जो कहीं कहीं और लगे हैं तो हम और घिस देंगे। हमारे जंग के दाग काफ़ी पुराने थे तब भी ये आसानी से छूट गए हैं। अब हमारे सारे दाग हट गए हैं, अब हम इसको सूखे कपड़े से पोंछ लेंगे। तो देखिए दोस्तों हमारे सारे दाग हट गए हैं, ये एकदम क्लीन हो गया है। सूखे कपड़े से पोंछने के बाद आप इसको पानी से भी साफ कर सकते हैं। तो दोस्तों आपके फर्श पर लगे जंग के दाग काफ़ी पुराने हैं और जिद्दी से जिद्दी हैं, तब भी आप किसी भी टॉयलेट क्लीनर से इनको साफ कर सकते हैं। अब चलते हैं चौथी टिप की तरफ। इस टिप में मैं आपको बाल्टी साफ करके दिखाऊंगी। जब भी हम बाल्टी काफ़ी टाइम तक साफ नहीं करते तो हमारी बाल्टी इतनी गंदी हो जाती है और इसके दाग काफ़ी जिद्दी हो जाते हैं। जब आप नॉर्मल डिटर्जेंट से आप इसको साफ करते हैं तो ये साफ भी नहीं होते। तो इसके लिए अभी मैंने टॉयलेट क्लीनर लिया है, आप इससे आराम से साफ कर सकते हैं। तो अभी मैं बाल्टी साफ करके दिखाऊंगी आपको। इसको हम चारों तरफ अच्छे से लगा लेंगे। तो दोस्तों अगर आप इस तरीके से अपनी बाल्टियाँ साफ करोगे तो ये बिल्कुल चमक जाएगी। अब हमने सारी तरफ लगा लिया है, अब हम इसको अच्छे से फैला देंगे। तो आप किसी ब्रश की हेल्प से भी इसको अच्छे से फैला सकते हैं। फैलाने से हमारी बाल्टी में चारों तरफ अच्छे से टॉयलेट क्लीनर लग जाएगा। अभी मैं आपको अंदर से साफ करके दिखा रही हूँ, आप इसको बाहर से भी ऐसे ही साफ कर सकते हैं। तो अब हम इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब 5 मिनट हो गए हैं, अब हम इसको साफ करेंगे। तो ये मैंने लोहे वाला स्क्रब लिया है जिससे हम बर्तन साफ करते हैं, पर ये यूज्ड है, इसको मैंने बर्तनों में यूज़ नहीं करती। अब हम स्क्रब से हम सब तरफ अच्छे से घिस देंगे। आप देखेंगे कि इसमें जो गंदगी लगी थी वो धीरे धीरे हट रही है और इसमें जो नीचे जिद्दी दाग थे वो भी धीरे धीरे हट जाएंगे। अब हम नीचे से भी अच्छे से साफ कर लेंगे। नीचे थोड़े जिद्दी दाग थे इसलिए हमें साफ करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो दोस्तों जब भी आप हार्पिक से किसी चीज़ को साफ कर रहे हैं तो आप ग्लव्स ज़रूर पहन लें, क्योंकि इसमें बहुत सारे केमिकल होते हैं, तो इसलिए आप ग्लव्स ज़रूर पहनें। तो अब हमारी बाल्टी साफ हो गई है, अब हम इसको धो लेंगे। अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद हम इसको अच्छे से धो लेंगे। तो देखिए हमारी बाल्टी कितनी क्लीन हो गई है, बिल्कुल साफ हो गई है, ज़रा सा भी इसमें दाग नहीं लगा। तो मैं पानी निकाल के भी आपको दिखाऊंगी। तो देखिए हमारी बाल्टी बिल्कुल क्लीन हो गई है। तो आप इस तरीके से जिद्दी से जिद्दी दाग भी आसानी से साफ हो जाते हैं। तो आप इसी तरीके से मग और जो बैठने की चौकी है वो भी आप साफ कर सकते हैं। तो देखिए हमारी बाल्टी बिल्कुल क्लीन हो गई है, बिल्कुल साफ़ हो गई है। तो दोस्तों आपको सबसे अच्छी टिप कौन सी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
तो दोस्तों जब भी आप टॉयलेट क्लीनर से आप साफ कर रहे हैं तो ग्लव्स जरूर पहनें। अगर आपके पास ग्लव्स नहीं है तो आप हाथों में पॉलीथिन बांध के भी आप इसको साफ कर सकते हैं।